सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका नए वीडियो नए टॉपिक पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि सर्दियों का मौसम आ चुका है। आपको भी पता है सर्दियों का मौसम आ चुका है, तो सर्दियों में हम जो इतने दिन जो डाइट फॉलो कर रहे थे उसको हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी बहुत डाइट चेंज नहीं करेंगे तो हमारे का जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं आएगा। आप कहीं भी चाहे स्पोर्ट्स कर रहे हो, कोई गेम कर रहे हो, कुछ भी एनी भी प्रकार की कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर घर पे रहते हो, कोई ऑफिस जाते हो, कोई जॉब करते हो, वहाँ पे जाने के साथ साथ ही आप क्या है फिट रहना चाहते हो, इसके लिए अपना ये वीडियो रहने वाला। हम बात करेंगे ओनली फॉर आज डाइट के बारे में, हमें सर्दियों में डाइट किस प्रकार की लेनी चाहिए, किस फिट और हिट रहने के लिए हमें किस प्रकार का खान पान खाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। जो आज ये वीडियो बता रहा हूँ, फैमिली में कोई भी मेंबर है वो इसे देख सकता है, और देखने के बाद जो बताई हुई बातें हैं डाइट से संबंधित वो उनको फॉलो कर सकता है। फॉलो करोगे तो आपको 100% गारंटी से कह रहा हूँ, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। सर्दियों का मौसम आते ही आपको पता है 2 से 3 महीने का मंथ का सर्दियों का मौसम रहता है, उसके अंदर जो दुबला पतला होता है वो अपना वेट गेन करके हट्टा कट्टा हो जाता है, और जो हट्टा कट्टा होता है वो दुबला पतला हो जाता है। बहुत कुछ चेंजेस मिलते हैं, आप अपने आप अगल बगल में या फिर अपने रिलेशनशिप में चाचा ताऊ मामा के कोई भी आप देख लेना, वो आप 2 से 3 महीने बाद में देखना, या तो वो कुछ वर्जिश करके या फिर आप वो ऐसा काम करता है जिसकी वजह से उसकी वीक बॉडी वीक पड़ जाती है। आप एक्सरसाइज भी करते हो तो उसका फायदा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जितने भी कोई भी युवा साथी है, कोई भी आपके भाई बहन कोई भी है, तो उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि ये डाइट को फॉलो करेगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। तो दोस्तों, लास्ट में एक सवाल भी पूछूंगा, उस सवाल का जवाब आपको जरूर देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुबह की दिनचर्या से। हम जब सुबह उठ जाते हैं, उठने के बाद में हमारा सबसे पहला करता है रनिंग एंड फिटनेस के जो भी करने रहते हैं उनके साथ साथ हम सब की बात करते हैं। सर्दियों का मौसम आते हैं, सबसे पहले बात लेता हूँ मैं वाटर। हम सर्दियों का मौसम आते हैं, सबसे एक चीज़ की कमी रखते हैं, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी आ जाती है, आलसपन रहता है, हम पानी बहुत कम पीते हैं। आप खुद नोट कर लेना, जैसे सर्दी का मौसम आता है आप खुद नोट कर, अभी चल रहा है तो आप कितना पानी पीते हैं दिन भर में। जिस प्रकार से हमारे शरीर को 5 से 6 लीटर वाटर की इंटेक की जरूरत होती है, हम उससे मतलब बहुत कम पानी पीते, इसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत तरह की बीमारियां होती है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये बोलता है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी है। तो पहला पॉइंट है, आपको प्रॉपर तरीके से आपको प्रॉपर मात्रा में जितना आप बॉडी को 5 से 6 लीटर की बॉडी का वेट है, बॉडी की हाइट है, उसके अनुसार आपको पानी पीना चाहिए, उतना आपको पानी का इंटेक्ट करना है। दोस्तों, इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट, हम जैसे हम कोई रनिंग वर्कआउट कोई भी वर्जिश करने जाते हैं, उससे पहले मैं आपको हर वीडियोज में बताता था, अब फिर से बताने जा रहा हूँ, आपको रनिंग ग्राउंड पे से जाने से पहले आपको हनी शहद और गुड़ का सेवन करके जाना है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो शहद में पाया जाता है, प्लस जो गुड़ होता है उसके अंदर आयरन कैल्शियम पोटेशियम पाया जाता है, जिसके अंदर हमें एनर्जी फील करता है, और जो वर्जिश करते हैं हमें उसमें आलस नहीं आता है, जो रेपिटेशन लगाते हैं उसमें आलस नहीं आता है। तो आपको ग्राउंड पर जाने से पहले आपको शहद हनी और गुड़ का सेवन करके जाना है, ताकि आपको एनर्जी फील करे, कोई भी आप प्रिपरेशन करें उसमें आपको अच्छा फील होगी। तो दोस्तों, ये अपना हो गया दूसरा पॉइंट। बात करते हैं इसी के साथ तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट रहता है, हमने दिनचर्या कर ली भाई, रनिंग वर्कआउट कर लिया, करने के बाद में वापस घर पे आते तो हमें डाइट में हमें क्या लेना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, हर बार बताता हूँ कि हर सीजन में बताता हूँ, दूध और दलिया, आपको सर्दियों के अंदर दूध ओट्स और दलिया का सेवन प्रॉपर मात्रा में करना है। आपको दिखाई भी दे रहा है, दूध और दलिया को करना है सेवन, क्योंकि इसके अंदर पूरा दूध में कैल्शियम पाया जाता है, और जो दलिया होता है गेहूं का, आप घर पे भी बना सकते हो या फिर ओट्स लेके भी बना सकते हो, तो क्या उसमें क्या होता है, जो पोटेशियम है उसकी पर्याप्त मात्रा में, पोटेशियम की हमें शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो दोनों का मिक्स करके पिए और खाइए, आपको पूरे दिन भर भी आलस और थकान बिल्कुल भी नहीं रहेगा। साथ साथ आप दूध और दलिया खा रहे हो, उसके अंदर केला भी मिक्स कर सकते हो साथ साथ, ये खाना, इसके साथ साथ आप कोई भी आप इवेंट कोई भी गेम, कोई 1600 मीटर, कोई 1500 मीटर, 400 मीटर गेम कर रहे, उसके लिए आपको ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करने, रात को चने मूंग सोयाबीन काजू बादाम अंजीर सब कुछ भिगो के रख दीजिए, उनको शाम सुबह आते ही अच्छे रनिंग का 40 से 45 मिनट कंप्लीट होने के बाद में बीच के अंदर आपको खाना ही है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। बात करते हैं तीसरे चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट अपना, हम दोपहर में हमें किस प्रकार का खाना खाना चाहिए। दोस्तों, मैं बता दूं, दोपहर में हमें मतलब हैवी खाना खा सकते हो, फुल खा सकते हो, जैसे आपका फुल भी खा सकते हो, या फिर जैसे आपको लग रहा है कि कुछ है घर पे रहते कोई वर्जिश नहीं करते शाम का, या फिर शाम को वर्जिश करते हो, तो शाम को वर्जिश आपका, शाम की कोई एक्टिविटीज कोई वर्कआउट है, उस टाइम आप दोपहर में खाना कम खाइए, वरना आपका शाम का कुछ भी नहीं है तो आप ज़्यादा खा सकते हो और शाम को कम खा सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको जैसे दाल का सेवन करना है, दालें होती है बहुत सी प्रकार की, चने मूंग उड़द मशरूम, इनकी दालें होती है, ये हम दाल खाएंगे तो हमारे शरीर में प्रोटीन की इंटेक की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, साथ ही साथ
हमें हमारे जोड़ों में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, जैसे मशरूम की दाढ़ खाने घुटनों की समस्या होती है, वो नहीं होती है। इस चीज़ का आपका खाने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। साथ साथ आप लस्सी दूध इनका सेवन कीजिए, लिक्विड का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो दोपहर में भी आप चपाती खाइए, चावल खा सकते हैं और आप दाल का सेवन कर सकते हैं, हरी सब्जी का भी सेवन कर सकते हैं, जिसमें छाछ दही का भी सेवन कर सकते हैं। ये अपना हो गया दोपहर का। इन्हीं दिनचर्या के बीच बीच में आपको दिन भर पानी का इंटेक प्रॉपर मात्रा में पीते रहना। मैं हर बार बोल रहा हूँ, शुरू में ऐड करते अभी तक बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद शाम का वर्कआउट करने जाते हो, शाम का जैसा भी आपका वर्कआउट हो, वर्कआउट शेड्यूल के अनुसार आप कोई भी जिम वगैरह फिटनेस की तैयारी, घूमने भी जॉगिंग करने भी जाते हो, तो शाम का आप करके आ गए, वापस आने के बाद में आपको सबसे पहले तो आपको पानी पीना है, वो भी हल्का गुनगुना गर्म पानी पीना है, हल्का गुनगुना गर्म पानी पीना है पूरे दिनचर्या के अंदर, ताकि बीमार होने की संभावना बहुत कम हो जाए, ठीक है। इसके बाद में आपको शाम को हरी सब्जी का सेवन करना है, जैसे सीजनेबल सब्जियों का सेवन करना है, जिसके अंदर पालक आ गया, गाजर आ गया, मूली आ गया, हर सीजनेबल सब्जी होती है उनका, सर्दियों में सबसे ज़्यादा बेहद सब्जी अच्छी इन खेती बाड़ी से मिली हुई सब्जियों का सेवन करना, ताकि शरीर में हर तरह की कोई भी हमें आयरन की पोषक तत्व की जरूरत हो, प्रोटीन कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट हर चीज़ की जरूरत हो, वो हमें पर्याप्त मात्रा में मिलते रहे, जो हम जिस भी चीज़ की खतरे फिट और हिट रह सके, जो प्रिपरेशन करें उसमें अपना अच्छा रिजल्ट आ सके, इस चीज़ का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना, ठीक है। ये हमने शाम का खा लिया। खाने के बाद में शाम को आपको लास्ट में दूध पीना है। दूध में आपको जो भी वर्कआउट और वर्जिश करा उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, दूध में आप अश्वगंधा यूज कर सकते हो, या दूध पियो तो उसमें थोड़ा सा हल्की सी आप हल्दी यूज करो। सर्दियों में हल्दी यूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हल्की सी हल्दी यूज कर लो, ताकि आपके जोड़ों में किसी भी प्रकार की कोई दर्द वगैरह हो रखा है हड्डियों में, प्लस आपके कोई थकान महसूस हो रखी है तो वो थकान आपकी दूर हो जाए, इस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखना। ये सारी प्रक्रिया मैंने पूरी दिनचर्या के बता दी, कोई भी इसे यूज कर सकता है, कोई भी इसे फॉलो कर सकता है। आपको सुनने में देखने में लग रहा होगा कि तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी फॉलो कर सकता है। साथ साथ मैं आपको बोला था लास्ट में आपको बोनस टिप्स और कुछ आपके सवाल पूछूंगा, ताकि आपको लगे कि हाँ वास्तव में आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। साथ साथ आप क्या है, सर्दियों में गुड़ का सेवन कर सकते हो, मूंगफली का सेवन कर सकते हो, अब तिल की बनी हुई तिल के लड्डू भी खा सकते हो, और गाजर हो गए, मूली हो गए, पालक हो गए, इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि आपको शरीर को बहुत ही ज़्यादा फायदा। सर्दियों में क्या होता है, हमारे शरीर को इस प्रकार की चीज़ें खानी चाहिए ताकि अंदर से बॉडी हीट करे, बॉडी अंदर से गर्म रहे। आपको भी पता है जैसे मौसम चेंज होता है, तो सर्दी मौसम के अनुसार हम बॉडी को नहीं रखते तो हमारी अनेक प्रकार की बीमारियाँ पैदा होती है, इस चीज़ का आपको भी पता है। तो आपको क्या है, हमारे शरीर में ऐसी चीज़ें अंदर डालनी है ताकि हमारी बॉडी अंदर से हीट करे, अंदर से गर्म करे। तो आपको तिल के लड्डू खा सकते, तिल की बनी हुई कोई भी चीज़ खा सकते हो, बहुत प्रकार की चीज़ें आती है, ठीक है। तिल की, मूंगफली की, गाजर, आप गाजर की होगी, मूली होगी, पालक होगा, इसी प्रकार की आप चीज़ें खाइए तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहा होगा, इसी वीडियो के माध्यम से ही कहना चाहूँगा। इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको खागा आपसे एक सवाल पूछूंगा, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मेरे को भी पॉजिटिव, मेरे को भी पता लगे मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, इस वीडियो को हो सके अपने भाई साथियों, जितने भी ग्रुप्स आपके वहाँ पे शेयर कर दो। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी अपडेट, कोई अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छा खाइए, अच्छा पिए और फिट रहिए। जय हिंद, जय भारत।